तर सैन्याच्या कामगिरीवरून राजकारण करणे चुकीचे आहे अशी टीका देखील त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली. मसूद अझहरची सुटका भाजपच्या काळात झाली होती, मात्र काँग्रेसने कधीही दहशतवादाला सोडले नव्हते असा दावाही त्यांनी केला. देखिए, अझर मसूद इज अ टेररिस्ट अँड द स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ ऍक्शन शुड बी टेकन अगेन्स्ट हिम. उसको वहां भेजा किसने? वो आज मतलब ये टेररिस्ट नियुक्त हो रहा है, उसको भेजा किसने वहां? वो पाकिस्तान पहुंचा कैसे? उसको क्या कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान भेजाया? कैसे गया था वो वहां? किस सरकार ने टेररिज्म से नेगोशिएट करके, किस सरकार टेररिज्म के सामने झुककर उसको वापस किसने भेजा? कांग्रेस ने तो नहीं भेजा. तो रियलिटी है बीजेपी कॉम्प्रोमाइज करती है. कांग्रेस ने ऐसा काम कभी नहीं किया, किसी टेररिस्ट को वहां पाकिस्तान नहीं भेजा कांग्रेस पार्टी ने, कभी नहीं भेजा और ना कभी भेजेंगे. शेतकरी, भ्रष्टाचार आणि रोजगार या मुद्द्यावरून मोदी सरकारवर टीका केली. ये देश की जनता के सवाल है. देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, और जो नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को नष्ट किया है, डिस्ट्रॉय किया है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है. और देश प्राइम मिनिस्टर से समझना चाहता है, राहुल गांधी जरूर समझना चाहता है, मगर राहुल गांधी कोई देश के सामने कुछ नहीं है. देश पूछ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी, आपने हमें कहा था, 2 करोड़ युवाओं से आपने कहा था कि साल में रोजगार देंगे, और आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है. राफेल करारावरून पुन्हा एकदा राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला. चौकीदारच चोर आहे हे खरं आहे असंही त्यांनी त्यावेळी म्हटलं. राफेल मामले में चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी किया है. अब आप लोग सवाल पूछते हो कि मैंने सुप्रीम कोर्ट को अपोलोजाइज किया. बिल्कुल मैंने सुप्रीम कोर्ट को अपोलोजाइज किया. मैं आपको बता देता हूं क्यों किया. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में प्रोसेस चल रही है और मैंने उस प्रोसेस के बारे में कॉमेंट कर दिया, और वो मेरी जगह नहीं है, तो मैंने अपोलोजाइज कर दिया. मगर चौकीदार चोर है नारा है, चौकीदार चोर है सच्चाई है, और चौकीदार चोर है रियलिटी है. और मैं ना नरेंद्र मोदी से, ना बीजेपी से, ना किसी और से अपोलोजाइज कर रहा हूं. मैं इसलिए अपोलोजाइज किया क्योंकि प्रोसेस के बीच में मैंने अपनी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के बारे में दी, और वो मैंने गलत किया, गलती हो गई, तो मैंने उनसे माफी मांग ली.